तो मेष राशि वाले अवसाद ग्रस्त स्थिति में आ सकते हैं। अपनी माता से यानी अपनी माँ से बातचीत करके आशीर्वाद लेकर आज सारे कार्य करें, बहुत अच्छा रहेगा। वृष राशि वाले वैवाहिक जीवन में भावनात्मक दूरी महसूस कर सकते हैं, धैर्य बनाए रखें, सब कुछ धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। मिथुन राशि वाले देखेंगे कि पैसे के लेन देन के वाले मामलों में अनावश्यक दबाव उनके ऊपर बनाया जा रहा है। कर्क राशि वाले निर्णय गलत लेंगे, ऐसे में किसी प्रकार का आर्थिक नुकसान भी संभव है। और सिंह राशि वाले घर में हो रही नकारात्मक स्थिति से काफी परेशान रहेंगे, लेकिन ऑफिस में मिलेगा इनको लाभ। और कन्या राशि वाले भाग्योदय पाएंगे और हर जगह से देखेंगे अपने सपोर्ट को बनते हुए। तुला राशि वाले वाणी पर बहुत ही विशेष संयम रखें, स्वास्थ्य आपका धीरे धीरे अब सुधरेगा। वृश्चिक राशि वाले बहुत ज्यादा भावनात्मक अकेलापन महसूस करेंगे, जीवन साथी का साथ रहेगा अच्छा। धनु राशि वाले किसी जरूरतमंद व्यक्ति की सहायता करेंगे, जो आने वाले समय में आपको बहुत ही बड़ा शुभ फल देगा। मकर राशि वाले मनोकामना पूरी करने के लिए बहुत ही विशेष श्रम करते हुए दिखेंगे। और कुंभ राशि वाले घर की बड़ी समस्याओं को सुलझा लेंगे, लेकिन ऑफिस के दबाव से रहेंगे परेशान। और मीन राशि वाले आध्यात्मिक गहनता पाने के लिए किसी साधु संत के आश्रम या तीर्थ स्थान पर जाएंगे। दर्शकों, अब करते हैं आज के दिन की ज्ञान चर्चा, जो हमारी आपकी अंतर्दृष्टि को, प्रज्ञा को जागृत करेगी। फिर आगे समझेंगे उन बहुत ही विशेष उपायों को जो आपको सारी समस्याओं से बाहर ले आते हैं और बहुत ही जल्दी आपको जीवन में सफल बना देते हैं। और फिर अंत में करेंगे आज के दिन की ज्योतिष मंत्रणा और समाधान। दर्शकों, अहंकार बहुत ही बड़ा शत्रु हुआ करता है मनुष्य का। रावण जैसे महाज्ञानी में भी अहंकार का दुर्गुण बहुत ही विशेष था, जिसकी वजह से उसके सभी गुणों को विस्मृत कर दिया गया, भुला दिया गया। अहंकारी व्यक्ति को शाब्दिक जानकारी भले ही बहुत ज्यादा हो जाए, लेकिन ज्ञान और विवेक का नाश निश्चित रूप से हो जाता है। ज्ञान बिना उसका आचरण अधर्म की ओर जाता है और विवेक के बिना निर्णय लगातार उसके गलत होने लगते हैं, जिससे पतन होना बिल्कुल तय होता है। जब हम सीखी हुई, समझी हुई धर्म सम्मत बातों को आचरण में उतारने लगें, तब हम ज्ञानी कहलाने के अधिकारी होते हैं। इस पे शास्त्र यूं कहते हैं कि ज्ञानम यस्य समीपे शात मदस्तस्मिन विद्यते, यस्य पार्श्वे भवेत गर्वे, ज्ञानम तस्य कुतो भवेत। यानी जिसके पास ज्ञान है वो अहंकार नहीं रख सकता, और जिसके पास अहंकार है उसे कहाँ से ज्ञान होगा। तो आज की ज्ञान चर्चा का सार ये है कि असली ज्ञान वो है जो आपके आचरण में उतारा हुआ हो और जिससे हमारे झूठे अहम का नाश हो। तो दर्शकों, अब बात करते हैं उन विशिष्ट उपायों पर जो आपकी सभी प्रकार की समस्याओं के बहुत ही सरल समाधान कर देते हैं और जिन्हें करके आप असफलता को, अड़चनों को जीवन में बहुत पीछे छोड़ते हुए बहुत ही दृढ़ता से, तेज गति से, बहुत ही प्रसन्नता से सफलता की ओर अग्रसर होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उनकी जिनका जन्मदिन है।